चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 88 रहेगी और एक्सरसाइज 87 है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है चांस, और इसका मतलब होता मौका, या कहीं ना कहीं इसे आप तुक्का भी बोल सकते हैं। तो इसका जो सिनोनियम रहेगा हमारा वो रहेगा फलक। फ्रेकस की अगर मैं बात करूँ तो ये लड़ाई झगड़ा कोलाहल होता है, इसका सिनोनियम बन जाएगा ब्रॉल या एफ्रे। और अगर फिएट की बात करेंगे तो ये कई बार हो चुका है लेकिन मेरी आदत है मैं बार बार लिखता हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, ऑर्डर या कमांड या डिक्री। फीड की बात करूंगा तो ये बन जाएगा फीस्ट दावत, या बन जाएगा आपका ये फेस्टिवल, या बन जाएगा फंक्शन। आंसर पहले का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे तो स्पोरेडिकली का मतलब होता है छिटपुट तरीके से, लगातार नहीं बल्कि नियमित अंतराल पर लगातार। तो ये होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर, रुक रुक कर, परंतु लगातार होता, ये भी लगातार लेकिन रुक रुक के होता, चलता रहता है ये। तो इसका जो इस पे ध्यान मत दो आप, इस पे ज्यादा ध्यान दो रुक रुक कर। तो स्पोरेडिकली का जो सिनोनियम है बच्चों वो हो जाएगा इंटरमिटेंटली। अगर इसका एक सिनोनियम और चाहिए तो एक और होता है स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली भी यही है ठीक। अगर मुझसे एंटोनियम पूछते तो मैं लगाता कॉन्स्टेंटली, ये लगातार ही होता है बिना रुके। हार्डली आप जानते ही हैं ना के बराबर या मुश्किल से। तो डिलिबरेटली का सिनोनियम चाहिए तो बन जाएगा इंटेंशनली, इंटेंशनल और एलवाई लगा देंगे, योग्य जानबूझकर, ये इसका सिनोनियम है। दूसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार की बात करेंगे आर्डेंट, तो ये होता है बच्चों उत्साही, जुनूनी, जिसमें जुनून भरा हो, उमंगी। इसका सिनोनियम पूछ रहे हैं तो आंसर पैशनेट हो जाएगा। और अगर एंटोनियम पूछते तो होता हाफ हार्टेड, क्योंकि ये होता है उत्साह की कमी वाला, जिसमें उत्साह की कमी हो, उत्साह की कमी। अच्छा एपोजिट की अगर मैं बात करूं तो सिनोनियम इसका क्या बनेगा, सुटेबल या एप्रोप्रिएट, उपयुक्त ठीक। फोनिंग की बात करूं तो बन जाएगा फ्लैटरी, यानी कि फ्लैटरिंग, चापलूसी भरा, साइकोफेंसी भरा। आंसर तीसरे का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार की अगर बात करूं तो फ्लक्स का मतलब आप जानते हैं, ये होता है प्रवाह, और ये होता लगातार है लेकिन इस तरीके से अंतराल, अंतराल का मतलब बीच में हल्का सा ऊपर नीचे होता हुआ बदलाव होता रहता है इसके अंदर। तो इसका जो सिनोनियम है वो कॉन्टिन्यूस चेंज है, अगर एंटोनियम पूछते तो स्टेबिलिटी होता, क्योंकि ये स्टेबिलिटी है और ये जो है ये फ्लक्स होता। फ्रेल की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कमजोर, इसके लिए बन जाएगा वीक, इसके लिए बन जाएगा फीबल, इसके लिए बन जाएगा इमेसिएटेड, इसके लिए बन जाएगा थिन, इसके लिए बन जाएगा फ्रेजाइल, कमजोरी तो है सभी है ठीक है। स्टाउट की बात करेंगे तो तगड़ा है, इसका सिनोनियम चाहिए तो रोबस्ट, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम हैं। रोबस्ट हो गया, हेल्दी हो गया, ये सब इसके सिनोनियम है, और फ्रेल एंटोनियम है इसका। आंसर चार का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करेंगे तो कल लाइकली था लेकिन आज अनलाइकली है, संभावना नहीं है कि वो गलती करेगा, तो गलती नहीं करेगा ये कहना चाह रहा है। और अगर यहां से लाइकली लूं मैं, इसे हटा दूं यहां से अनलाइकली, तो आंसर बनेगा फॉलिबल। तो सुने जरा दोबारा से सारी बात है, तो अनलाइकली टू मेक मिस्टेक्स, जिसकी उम्मीद है गलती नहीं करेगा, तो ये हो गया हमारा इनफॉलिबल, और जो गलती करेगा वो फॉलिबल हो गया। करिजिबल हो चुका कल हमारा, जो सुधारा जा सके, जिसकी गलती सुधारी जा सके, ऐसी गलती जो सुधारी जा सके। इनकरेजिबल उल्टा हो गया, जिसे सुधारा ना जा सके, ऐसी गलती जो सुधारी नहीं जा सके। पांचवे का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर छह की बात करो तो फेकंड उपजाऊ होता, तो ये हो गई इसकी उर्वरता, यानी कि उपजाऊपन। तो इसका सिनोनियम पूछते तो फर्टिलिटी, सिनोनियम पूछते तो प्रोडक्टिविटी, एंटोनियम पूछा आंसर बैरननेस, क्योंकि बैरन होता है अनुपजाऊ। यूटिलिटी की बात करेंगे तो बच्चों ये होती है उपयोगिता, एडवांटेज इसका सिनोनियम है। आंसर छह का जो है वो तीसरा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूं तो मेनी मोटरसाइकिलिस्ट्स, बहुत सारे मोटरसाइकिल चलाने वाले द लॉ और लॉ को तो फ्लाउट करते हैं बाई नॉट वियरिंग हेलमेट्स, हेलमेट ना पहन करके बहुत सारे मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग इस नियम का उल्लंघन करते हैं। फ्लॉन्ट आपको बता दिया था, शो ऑफ, इसका सिनोनियम बिट होता है डिफाई। फिले की बात करेंगे तो ये होता है स्ट्रिप अप, स्ट्रिप ऑफ स्किन, स्ट्रिप ऑफ स्किन, त्वचा उधेड़ लेना किसी की। फंबल का मतलब बता दिया था मैंने आपको, फाइंड ब्लाइंडली, फाइंड ब्लाइंडली यानी कि टटोलना अंधेरे में या ऐसे चेम में हाथ डाल के। सातवें का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करेंगे तो एसएससी सीएचएसएल 15/3/2023 में आया हुआ है, वन हु हेल्प्स द नीडी, जो जरूरतमंदों की और बेसहारा लोगों की मदद करता हो, आंसर है सैमरिटन, नोट कर लेंगे इसे। नोविस की बात करेंगे तो ये नौसिखिया होता है, टायरो या बिगनर, इसका सिनोनियम बन जाएगा। ईगोटिस्ट की अगर बात करेंगे तो इसका सिनोनियम बनता है नार्सिसिस्ट, क्योंकि इन दोनों की ये खासियत है, ये अपनी तारीफ करते रहते हैं, अपनी ही बारे में बातें करते रहते हैं, अपनी ही तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। हाईब्रो की बात करोगे तो ये हो गया उच्च वर्ग का, यानी कि जो छोटे मोटे मामलों में हाथ नहीं डालता, उच्च वर्ग का है ये थोड़ा सा। इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम बन जाएगा हमारा, एक तो बना देंगे इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, नोट कर लेंगे साहब। 8वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सैंक्शन, मैंने बताया था अनुमति दे देना, कह देना कि हाँ ये चीज तुम्हें मिल जाएगी, अनुमति दे देना। सिनोनियम पूछा है तो आंसर है परमिट, कैंसिल पूछते तो एंटोनियम, रिवार्ड होता तो पुरस्कार होता फिर ये। और बच्चों डिग्रेड तो अपमानित करना होता है, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट किसी को अपमानित करना, नीचा दिखाना, ये बिलिटिल भी इसका सिनोनियम है, हो चुका पहले काफी बार हुआ था। चलिए सिनोनियम है इसके, ये 9 का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, थ्राइव, ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट यू है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है, सारे आंसर लगेंगे आपको इसके। इसका मतलब होता है फलना फूलना। बच्चों थ्राइव का मतलब होता है जब एक व्यक्ति अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे निकलना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा आगे, तो ये होता है प्रॉस्पेरिटी आ रही है उसके पास में। अब प्रमोट करना भी होता है, लेकिन प्रमोट का मतलब होता है दूसरे लोगों के लिए किसी चीज का प्रमोशन करके उन्हें आगे बढ़ाना, तो एनकरेज इसका सिनोनियम होगा करीबी, एक सिनोनियम इनका क्या होगा, एनकरेज। अगर फोस्टर की बात करेंगे तो ये पालन पोषण करना किसी चीज का, प्रोग्रेस इसका आंसर दूसरे नंबर पर बन जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब उन्नति ही होता है, लेकिन जो आंसर एक्चुअल में है वो इसका वही बनेगा प्रॉस्पर, क्योंकि प्रॉस्पर और प्रोग्रेस में हल्का सा फर्क यह है कि ये नाउन है वो वर्ब है। आंसर 10 का पहला हो जाएगा, बढ़िया सवाल था ये। आज के जो हमारे डे 88 में शुरू के 5 सवाल हैं वो एक ही क्वेश्चन से होंगे, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाइए जरा इधर देखो बच्चों, सिंक हो गया हमारा डूबना, और ये आता है जैसे चीजों के डूबने के लिए, सेकेंड फॉर्म होती है सैंक और थर्ड फॉर्म होती है संक। जहाज डूब जाएगा या डूब गया हो, कोई चीज डूब गई हो, कोई नाव डूब गई हो, सिंक पकड़ना वहां पे बढ़िया है। और बच्चों अगर डूबना दूसरा देखना चाहते हैं आप, डूबना, तो ये किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा बढ़िया है या जानवर के लिए, यानी कि जिनकी जान चली जाएगी डूबने पर, ड्रॉन, तो ये आएगा। सेकेंड फॉर्म चाहिए तो ड्रॉन्ड और थर्ड फॉर्म ड्रॉन्ड। अब ये जो है ये दोनों तैरना है, ये तैरना है, और ये लगाएंगे हम नेचुरली, अभी बताएंगे नेचुरली का मतलब क्या है, और ये भी तैरना है, और इसकी अगर बात करेंगे आप तो ये होता है प्रयास करके, प्रयास से। अब बच्चों मान लो कि कोई चीज निर्जीव सी या डेड बॉडी या प्लास्टिक की बोतल या शीट कोई या लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ जा रहा धारा प्रवाह के साथ में, लेकिन वो प्रयास थोड़ी कर लेगा अपने, वो तो निर्जीव चीज है या मरा हुआ है, फ्लोट होंगी वो चीजें। और जब कोई व्यक्ति चाहे जानवर हो, पक्षी हो, मछली हो, व्यक्ति हो, जब वो अपने प्रयास से हाथ मारेंगे, हाथ पैर मारेंगे और तैरना शुरू कर देंगे, मछली भी ऐसी करती है, तो जिंदा लोगों का पानी में तैरना है अगर, तो वो प्रयास करेंगे तो स्विम आएगा, सॉरी स्विम। और निर्जीव चीजें या मरा हुआ व्यक्ति जब पानी की सतह पर ऊपर तैरेगा तो बच्चों वो होता हमारा फ्लॉट, और डूबने के लिए वो दोनों हैं अलग अलग, ठीक।
तो अब आपको आराम से समझ के ये फैसला लेना है, एन एम्प्टी बोतल विल, एक खाली बोतल, पहले ये बताओ क्या खाली बोतल डूबेगी? डूबती नहीं है बच्चों, खाली बोतल भरी भी डूब जाएगी लेकिन खाली बोतल नहीं डूबती, ना लकड़ी का लट्ठा डूबता, ना बच्चों जो है हमारी डेड बॉडी डूबती है। आंसर इसका बच्चों ये आएगा, खाली बोतल तैरेगी। स्विम नहीं आ सकता, स्विम में प्रयास करना पड़ेगा, बोतल प्रयास कर नहीं सकती, आंसर पहले का फ्लोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए डेड बॉडी ब्लैंक ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, मीनिंग सारे वही है और आंसर फिर से यही हो जाएगा, डज यू लगाया क्योंकि पीछे जो था वो विल था, तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे डेड बॉडी एक है अकेली, तो सिंगुलर के लिए डज लगाएंगे, और ये सार्वभौमिक सत्य भी है, इसमें डिड भी नहीं हो पाएगा। तो ए डेड बॉडी फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह पर एक मृत शरीर तैरता है, प्रयास नहीं कर सकता, वो ऐसे तैरता रहता पानी के साथ में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आई नो हाउ टू, मैं जानता हूँ कैसे, आंसर बच्चों ये आएगा, डूबने की बात तो होगी नहीं ना कि मैं जानता हूँ कैसे डूबा जाता, मैं जानता हूँ कैसे तैरा जाता है, मैं जानता हूँ वो कह रहा, तो हाउ टू स्विम। क्वेश्चन नंबर चार, ए चाइल्ड कैन, एक बच्चा इन ओनली ए फ्यू इंचेस ऑफ वाटर, अब यहाँ दोनों मीनिंग बनकर आएंगे, पहले मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये नहीं लगाएंगे तैरना, फिर आता है बच्चों ड्रोन, ये हो सकता है लेकिन आप तैरने वाला जो है वो भी नहीं लगाएंगे, तैरने के तो दोनों से बचो आप, क्योंकि बात चल रही है एक छोटा सा बच्चा यहाँ तक कि सिर्फ थोड़े इंचेस पानी में भी डूब सकता है, तो जब डूबने की फीलिंग आएंगी और व्यक्ति हो तो आंसर लेंगे ड्रोन, आंसर हो गया हमारा चौथा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ऐसे भी तो हो सकता था कि एक छोटा सा बच्चा थोड़े इंचेस पानी में तैर सकता है, नहीं, छोटा सा बच्चा चाइल्ड दे रहा है, कोई व्यक्ति होता तो सोच भी लेते, और ये सेंस इसी का है कि थोड़े से पानी में भी, कुछ इंच का पानी होगा उसमें भी डूब जाएगा वो, आंसर चार का जो है वो चौथा हो जाएगा, उसकी हाइट ही इतनी होती है, वो लेट गया अगर उसके अंदर थोड़े पानी में तो डूब जाएगा, मर जाएगा मतलब वो। डोंट ओवरलोड द बोट, नाव को ज्यादा वजन मत दो, ज्यादा वजन मत ला दो, और इट विल, अन्यथा, इसका मीनिंग यहाँ था अन्यथा है, नाव पे ज्यादा लोड मत डालो अन्यथा, आंसर बच्चों पहला आएगा, क्योंकि ये नाव है, व्यक्ति होता तो ड्रोन लगाते हैं, तो ये बोलना है ज्यादा लोड मत दो अन्यथा ये डूब जाएगी, जहाज नाव इनके डूबने के लिए सिंक लगाएंगे, खत्म हो गया वो। फ्रूगल की बात करेंगे बच्चों तो ये होता है मित व्ययी, कम खर्च करने वाला, मित व्ययी या अल्प व्ययी, इसका सिनोनियम पूछा है तो इकोनॉमिकल, एंटोनियम एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, एंटोनियम प्रोडिगल खर्चीला, एंटोनियम लेविश खर्चीला, और ये सब एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, सिनोनियम, आंसर छह का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात की बात करेंगे तो फिडेलिटी, ये होती है बच्चों वफादारी, खास तौर से ना ये पार्टनर जो होते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से, उनके लिए ज्यादातर आती है, लेकिन चलो फिलहाल आंसर सिनोनियम तो लॉयल्टी बन जाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे एंटोनियम तो ट्रेचरी एक और था इसका एंटोनियम, फिलहाल एंटोनियम लगाओ आप इसका, ये हो गया। अब ट्रेचरी का सिनोनियम दिखाता हूं मैं आपको, डिसेप्शन, डिसेप्शन क्या होता है बच्चों, धोखा। चलिए फिडेलिटी का जो सिनोनियम है वो लॉयल्टी है, एंटोनियम पूछते तो ट्रेचरी होता। फेटिगू की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसका सिनोनियम बनेगा वियरीनेस, ये आपके लिए नया शब्द नोट कर लेना, एफ वाला ही है, और ये थकान होती है बच्चों, तो बन जाएगा वियरीनेस फेटिगू। अगर बात करें फ्रेजाइल की तो ये कमजोर होता है, इसका सिनोनियम ब्रिटल भी है, इसका सिनोनियम वीक भी है, और इसका सिनोनियम बहुत बढ़िया है डेलिकेट नाजुक, ये भी इसका सिनोनियम ही है, उसका ध्यान रखना पहले वाले का। सातवें का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ की बात करूं, आज मैंने सिनोनियम ज्यादा दिए हैं, तो फ्यूड जो है हमारा ये झगड़ा होता, इसका सिनोनियम कंटेंशन है, यह हो जाता स्ट्राइफ, ये भी सिनोनियम है, और भी है अल्टरकेशन वगैरह। फिलहाल आठवें का आंसर दूसरा है, हारमोनी इसका एंटोनियम है। ट्रायम्फ की मैं बात करूं तो विक्ट्री है, पहले भी हो चुका है, जीत होती है, ये विक्ट्री होती है जीत, और वियरीनेस थकान होती है, अभी पढ़ के आए हो आप तो फेटिग्यू। चलिए आठवें का आंसर दूसरा है, सिनोनिम पूछा, नो पाएंगे तो फॉर्मिडेबल, आज मैंने idiom phrases वन बट रोक दिए, जरूरी शब्द थे हमारे लिए, तो फॉर्मिडेबल होता है बच्चों भयानक, डरावना, डरावना या भयानक, ठीक। इसका सिनोनियम पूछते तो इंटिमिडेटिंग, सिनोनियम पूछते तो डॉन्टिंग, एंटोनियम पूछा, आंसर है कमजोर, क्योंकि फॉर्मिडेबल तो भयानक सा होगा ना, खतरनाक सा, डराएगा बहुत, ये कमजोर सा हो गया एकदम से। अच्छा फ्रेंटिक की अगर मैं बात करूं आपसे तो फ्रेंटिक जो होता है ये होता है बच्चों भयभीत, किसी चीज से डरा हुआ, यानी कि इसके लिए बन जाएगा टेरिफाइड,
टेरिफाइड, भयभीत। आंसर जो है नो का वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो फैब्रिकेट का मतलब होता है कुछ झूठ सा बनाना, झूठ बोल के कुछ तैयार करना नई कहानी सी। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो बनेगा बच्चों इन्वेंट। एंटोनियम पूछते तो डेस्ट्रॉय बनता। और डिनाउंस की बात करूंगा तो बच्चों ये होता है निंदा करना, यानी कि डिक्राई भी इसका आंसर है, आलोचना करना। अगर बात करेंगे फ्लक्चुएट की तो इसका सिनोनियम होता है वेवर, बदलना, या वेसिलेट। बहुत बढ़िया शब्द, नोट कर लेना इसे, वेसिलेट, या और कुछ भी बन जाएगा। फिलहाल फ्लक्चुएट का मतलब ये हो गया वेवर या वेसिलेट। 10 का आंसर दूसरा हो गया। क्लास का हमारा कल का जो क्वेश्चन है वो ये रहा और आज का ये है, आज का भी बढ़िया सवाल है ये। तो हिज स्किन वाज ड्राई, जब बच्चों यहाँ सूखा बता रहे हैं और यहाँ एंड भी लगा दिया इन्होंने यहाँ पे, तो पीछे तो कुछ बताओ ना रूखा सा बेकार सा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा पहला। क्योंकि ये जो कोर्स है बच्चों ये या तो पाठ्यक्रम होता है या ये रास्ता होता, और जब वो है हमारे कॉर्प्स, ये डेड बॉडी होती है, वो कॉर्प्स फसल होती है, तो आंसर तो बच्चों यही बनेगा ना, उसकी त्वचा सूखी और ड्राई मतलब भद्दी सी और सूखी थी। आई एम लीविंग अर्ली टुमारो, कल मैं जल्दी जा रहा हूँ, टू कॉल ब्लैंक ए फ्रेंड, ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।